मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको स्विमिंग की एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको घर पे रह के करनी है। और पहले उससे पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी है। कोई भी एक्सरसाइज होती है उससे पहले हम अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, तभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ जो आपको खड़े होकर आराम से करनी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे नेक की हुई, हैंड्स की हुई, रिस्ट की हुई और आपकी हैंड्स की हुई, शोल्डर की हुई, ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको पहले करनी है। और उसके बाद मैं आपको स्विमिंग की लेग सेक्शन बताऊंगा और हैंड मूवमेंट बताऊंगा जो आपको नॉर्मली घर पे ही करना है। अपनी एक टेबल लेनी है, उसके ऊपर ही करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस पहले आप स्ट्रेचिंग करोगे कैसे। जैसे पहले नेक मूवमेंट हो गई हमारी, ये आपने नेक मूवमेंट करनी है। और इसको आपको दो से तीन या पांच बार तक करना है। और उसके बाद आप हैंड्स की करोगे, रिस्ट की, दिस, ये आपने रिस्ट की करनी है। अब शोल्डर की, ये आपने और इसके बाद आपने लेग्स की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करना है आराम से। प्लीज की अभी मैं आपको स्विमिंग की लेग्स मूवमेंट बताऊंगा जो आपको टेबल के ऊपर करनी है। ये टेबल मैंने ली है और ये स्टॉप, अभी मैं हैंड्स मूवमेंट बता रहा हूँ। ये देखो, ये आराम से हैंड्स को पूरा रोल करके लेके आना। थाइस के पास से, थाइस के बिल्कुल पास से हैंड्स आएंगे, ऊपर से लेके आने और यहाँ आके थोड़ी एल्बो फोल्ड करनी है और स्ट्रेट लेके जाने हैं। ये नहीं कि आप यहीं से वो हैंड्स को मोड़ रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड्स पीछे पुल करते, जैसे हम पानी को पुल करें, हमें पीछे की तरफ धक्का मारेंगे। इसके बाद फिर हमें ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारे लंग्स भी मजबूत होते हैं और ब्रीथिंग की प्रैक्टिस भी होगी हमारी। जैसे वही है, जैसे हमने माउथ से ब्रीथिंग किया, नोज से आउट किया।
अभी हमने होल्ड भी करना है ऐसे ही, जैसे 20 से 25 टाइम ये क्रिया करनी है हमें हर बार ब्रीथिंग की। जो हम ब्रीथिंग होल्ड करेंगे उसको हमें कम से कम 25 सेकंड तक होल्ड करना है, और जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे ऐसी कैपेसिटी आपकी बढ़ती रहेगी ब्रीथिंग की। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप करना।